आशा खत्म होने लगी है कि हमारे बेटे को अच्छा रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, या हमारी बिटिया की धूमधाम से बिना दहेज के शादी होगी। बिना दहेज के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर बेटी के बाप का सपना होता है कि बिना दहेज के हो जाए तो बहुत, वैसे ही पैसा नहीं है, पैसा बच जाएगा नहीं, खेत का एक हिस्सा गिरवी रखना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई अपने बच्चे को पढ़ा पाए, बुढ़ापे में बीमार हो तो इलाज हो जाए। अब इसकी आशा खत्म हो गई। आशा इसलिए खत्म हो गई क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे लोकसभा के मेंबर, हमारे विधानसभा के मेंबर, ये विदेशियों की हो गई, ये पैसे वालों की हो गई, ये लुटेरों की हो गई, ये लोगों की नहीं रही, जनता की नहीं रही। जनता की होती तो पिछले 7 साल में 10 कानून तो ऐसे बने होते जो जनता के हित के होते। हालत ये हो गई कि लोग कहने लगे, बस में टिकट लो तो कंडक्टर भी कहने लगा कि हम 5 रुपए की टिकट में अगर आपने लिए और 10 रुपए उसे दिए हैं तो आपको 8 ही रुपए वापस करता था, कि 2 रुपए तो ये कमीशन है हमारा ईमानदारी का। ऐसा भी जमाना आ गया, हर चीज में घूस। अभी तो उत्तराखंड में देखने में आया है कि जो वहां तीर्थ यात्रियों की या स्थानीय लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, उन लाशों को उठाने के लिए या उन लाशों को सरकार उनका क्रियाकर्म करे, इसमें भी कमीशन नहीं तो वो छोड़ देते हैं। जिनका पैसा मिलता है अलग से घूस के रूप में, उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। हम यहां पहुंच गए और इसी स्थिति को देख करके अन्ना ने कहा, मुझे नहीं जीना इस देश में जिस देश के लोग इतने कायर हो गए हों, नाकारा हो गए हों, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हों। और उन्होंने रामलीला मैदान में 2 साल पहले आमरण अनशन कर दिया। नहीं जीना ऐसी दुनिया में, ऐसे हिंदुस्तान में जहां के लोग कायर हो गए हों। पर हिंदुस्तान के लोगों ने अन्ना को गलत साबित किया। हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि अन्ना आप रामलीला मैदान में अगर जान दे रहे हैं तो हम भी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने जिले में ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उस दिन उस दौर को याद कीजिए, 2 साल पे बहुत नहीं बीते हैं, 2 ही साल बीते हैं। उस आजादी के बाद संविधान सभा बैठी थी, यहाँ याद है बुजुर्गों को, मास्टर साहब लोगों को, सबको याद होगा, संविधान सभा बैठी थी। इसलिए बैठी थी कि देश कैसे चलेगा इसका संविधान लिखा गया, जो बाद में भारत का संविधान बना। आज सारे काम उस संविधान के हिसाब से होते हैं, बस एक काम संविधान के हिसाब से नहीं हुआ जिसने हमारी और आपकी किस्मत के ऊपर कालिख फूंक दी। और वो काम संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दलों का जिक्र नहीं है। लोकसभा में राजनीतिक दल के लोग जाएंगे, इसका जिक्र संविधान में नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि पार्टियों के प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में जाएंगे। संविधान में लिखा है जनतंत्र, जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे। और चूंकि पार्टियों ने वहां शैतानी की, बदमाशी की, धोखा दिया इस देश के संविधान को, और 1952 के चुनाव में ही पार्टियों के प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंच गए, जो धोखा वहां हुआ आज उस धोखे की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। हमारी महंगाई, भ्रष्टाचार का इतना चलन जो लाशों में भी घुस लेता है जलाने में, हम रोटी लेने जाएं नहीं मिलती, काम मांगने जाएं नहीं मिलता, हर जगह घुस दो तब बात होती है, हमारा हिस्सा कहां है। शिक्षा लेने जाओ नहीं मिलती, क्योंकि अच्छी शिक्षा जिससे कलेक्टर साहब और एसपी साहब बनते हैं वो तो बोरे भर झोले जब रुपया आप खर्च करो बोरा भर, तब आप अपने बेटे को दिलवा पाओगे। आपके पास कहां इतने पैसे हैं, इस गांव में कितने एसपी और कलेक्टर की परीक्षा में बैठने की हिम्मत कर पाए होंगे, कितने लोग कोचिंग में जा पाए होंगे, कोई नहीं जा पाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आपके जैसे 120 करोड़ लोग इस देश में हैं, जैसे आप बैठे हैं।
यह सफर का जनतंत्र यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है, लोक शिक्षा और लोक जागृति। लोगों की शिक्षा होना जरूरी है। जैसे जन लोकपाल की बात आपके सामने रखी है, जन लोकपाल का एक ड्राफ्ट हम लोग तैयार किया था, तब से सरकार ने उसको विरोध करना शुरू कर दिया कि जन लोकपाल का ड्राफ्ट, देश में कोई भी कानून बनता है लोकतंत्र में, जनतंत्र में, लोकशाही में, लोगों ने लोक सहभाग से चलाया हुआ तंत्र वो है जनतंत्र। तो कोई भी कानून बनता है, कानून बनता है संसद में, ये ठीक है, लेकिन ड्राफ्ट बनाते समय लोगों का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना चाहिए, ये है हमारा जनतंत्र। तो हम लोग एक ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दिया था लोकपाल के बारे में। तो हमारी सरकार के कुछ लोग कहने लगे कि बाहर के लोगों को क्यों लेना ड्राफ्ट बनाने के लिए, बाहर के लोग। तब हमें बताना पड़ा कि अरे बाहर के बोलते हैं, वो आपके मालिक है ना सब, वो मालिक ने आपको भेजा है वहां, उनको बाहर के बोल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 में सब जनता मालिक हो गई देश की, ये मालिक ने सेवक को भेजे। जितने भी मंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, ये सब जनता के सेवक हैं, मालिक जनता है। 26 जनवरी 1950 में प्रजातंत्र जब आया देश में, उसी दिन जनता मालिक हो गई, और उसको बाहर के बोलते हैं। तब उनके दिमाग में लाइट जगी, और फिर हमारी ज्वाइंट कमेटी स्थापित की, 5 मंत्री सरकार के और 5 हमारे। हम ये कहते थे कि हमारी जो चर्चा होगी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उनको डर लग रहा था, वीडियो मना कर दिया उन्होंने। क्यों? काला बेरा था ना अंदर काला बेरा था, इसलिए वीडियो के लिए बोले वीडियो नहीं, ऑडियो करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि लोकपाल, जन लोकपाल का ड्राफ्ट हम लोग बना कर दिया, सरकार ने उसको इनकार कर दिया। इसके कारण 5 अप्रैल को हम जंतर मंतर पर बैठे, और उसमें जो रिस्पांस मिला तब सरकार तैयार हो गई। और तैयार होने के बाद हमारी ज्वाइंट कमेटी चली, अचानक से पलटी खाई। 2.5 महीना मीटिंगें चल रही और अचानक से पलटी खाई कि ये हम नहीं करेंगे, कैबिनेट के सामने ले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार के लोकपाल के बारे में नियत साफ नहीं है। अगर होती तो ऐसे बार बार पलटी क्यों खाना था। अभी आपने को भारतीय जन ने बताया कि धोखाधड़ी हुई, उस टाइम पर हुई, संसद में बिल आ गया, संसद में पास हो गया, पंत प्रधान जी ने मुझे लिख कर दे दिया कि हम जल्दी से जल्दी लोकपाल लाते हैं, तो मैं अनशन छोड़ दिया। अभी 2 साल हो गए, अभी नहीं ला रहे। हम ये सोच रहे कि आज ये 2 साल बिताए, आज तक कोई इलेक्शन नहीं था, अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी उनको लोकपाल लाना पड़ेगा नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा, कि अभी इलेक्शन आ रहा है। इसलिए मैं घूम रहा हूं देश में, लोगों को जगा रहा हूं, जाग जाओ। अभी फिर से एक बार ये धोखाधड़ी जो हुआ ना, इसके लिए फिर से एक बार, हो सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लगभग एक बार मैं होगा रामलीला मैदान, और देश की जनता तिरंगा लेकर फिर रास्ते पर खड़ी होगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो मेरे कहने का मतलब है कि जन लोकपाल आएगा, अगर नहीं आया तो अभी मैं घूम रहा हूं पूरे देश में, और 1 साल बाकी है, 1 साल में 120 करोड़ जनता जाग जाएगी नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास हो रहा है कम से कम 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित करूंगा, 6 करोड़ देश के। और 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए
तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाए। वो काम हमें करना पड़ेगा। सरकार को कि अभी इलेक्शन से पहले इन्होंने नहीं लाया लोकपाल, 6 करोड़ जनता जाग गई तो फिर से मैं बैठूंगा रामलीला मैदान और जनता होगी रास्ते पर तिरंगा लेकर, और लोकपाल लाना पड़ेगा। एक लोकपाल नहीं, अभी व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ 2014 का इलेक्शन नहीं, कई बातों के लिए हमें 10 साल 12 साल के सोच करनी पड़ेगी। क्या है किसानों की हालत आज? किसानों की हालत क्या है? कृषि प्रधान भारत देश है, और कृषि प्रधान भारत देश में किसानों की आत्महत्या हो रही आजादी के 66 साल में। क्या हालत है किसानों की? माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, उसकी झोपड़ी नहीं बदल रही, और दलाल लोगों ने 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर बैठे हैं। खेती में उसको जो लागत लगते है उतना उसका दाम मिलना चाहिए, नहीं मिल रहे। ये सब बातों के लिए हम सोच रहे हैं। 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। लोकपाल तो अभी आएगा, या सरकार बदलने के बाद जो भारतीय जन रखी है, बदलने के मतलब हम ये सरकार अच्छी है वो बुरी है इसलिए नहीं बदलना। अरे कौन से अच्छी है और कौन बुरी है? आज कौन है देश को भविष्य देने वाली है? आज सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, बस दूसरा कोई पार्टी ने इलेक्शन लड़ाना चाहिए बताइए, या इधर कोई है जानकार तो मुझे बताए कि संविधान में इस जगह पर यह लिखा है कि पक्ष और पार्टी इलेक्शन लड़ा सकती है? संविधान में कहीं पर भी नहीं है। संविधान क्या कर रहा है? लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता ने अपना कैंडिडेट सिलेक्शन करना, जनता के राज में यह है। जनता ने अपना कैंडिडेट सिलेक्शन करना, जनता ने उसको चुनकर संसद में भेजना, या निर्दलीय उम्मीदवार है चारित्रशील है उसको चुनकर आगे भेजो। संसद में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। संसद में आज हमारे संसद में कितने लोग हैं जो दागी है? 163 लोग है दागी संसद में जिन्होंने देश चलाना है, और 35 मंत्रियों में 15 मंत्रियों पर तो आरोप है। क्या होगा देश का? इसीलिए हमारा संविधान जो कह रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य, मैं बोल रहा हूं संविधान की बात। यह देश संविधान के आधार पर चला हुआ देश है, और संविधान कह रहा है पक्ष और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा सकती है। समूह को इलेक्शन लड़ाने की परमिशन नहीं, इंडिविजुअल को है। ऐसे इंडिविजुअल लोग जनता ने चुनकर अगर भेजे संसद में और चारित्रशील लोग अंदर गए तो अच्छे अच्छे कानून बनेंगे, अच्छे अच्छे कानून बनेंगे।